नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। परमाणु ऊर्जा विभाग ने डिफरेंट टाइप की वैकेंसी निकाली हुई हैं और लगातार वैकेंसी आ रही हैं। NPCIL में आ चुकी हैं, इसके अलावा NFC में आ चुकी हैं, यानी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में आ चुकी हैं। साथ ही AMD में भी भर्ती की घोषणा कर दी है। AMD यानी एटमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, जो एटमिक खनिज होते हैं, परमाणु खनिज होते हैं, उनकी खोज के लिए डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी वैकेंसी आ चुकी है। ये जो वैकेंसी आई है, आज हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो आई है साइंटिफिक असिस्टेंट की, टेक्नीशियन की, स्टेनो की, UDC की और ड्राइवर की। तो सभी के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी आई हुई है। आज हम आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी देंगे, शुरू से लेकर एंड तक। पे, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक अवश्य देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, इस भर्ती के लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट है 10 जनवरी। तो समझिए, पहली वैकेंसी है एक नंबर पर, वो MBBS वालों के लिए है। हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम देख लेते हैं अपनी वैकेंसी जो आई हुई है हम लोगों के लिए, यानी जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल लोगों के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी ड्रिलिंग के लिए सैलरी आपको मिलेगी 35,000-400 वाले ग्रेड में। 10 वैकेंसी टोटल हैं। ग्रुप बी की वैकेंसी है, इसके लिए आपने डिप्लोमा प्राप्त कर रखा हो मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, ड्रिलिंग इंजीनियरिंग में, 3 साल का, 10th के बाद कम से कम 60% मार्क्स आपके होनी चाहिए। अपर एज लिमिट की बात करें तो ये काउंट की जाएगी 10 जनवरी को। सामान्य के लिए 30, EWS के लिए 30, OBC के लिए 33 और ST के लिए 35। SC की कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी फिजिक्स के लिए भी सैलरी सेम रहने वाली है 35,000-400 वाले ग्रेड में। एक वैकेंसी है सामान्य की, एज लिमिट है 30 साल, इसके लिए आपने BSc कर रखी हो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर हम बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट सर्वे की, तो इसकी वैकेंसी आई है 2। इसके लिए आपने डिप्लोमा प्राप्त कर रखा हो सिविल इंजीनियरिंग में या फिर सर्वे इंजीनियरिंग में, 10th के बाद कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। एज लिमिट 30 साल है EWS के लिए और OBC के लिए है 33 साल। साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई है 2। इसके लिए आपने डिप्लोमा प्राप्त कर रखा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कम से कम 3 साल का, 60% के साथ। अब देख लेते हैं टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है, तो टेक्नीशियन की वैकेंसी ड्रिलिंग डीजल ऑटो मैकेनिक की आई है 14। इसके लिए आपको सैलरी मिलेगी 21,700 वाले ग्रेड में। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपने 10th या फिर 12th पास कर रखा हो साइंस मैथ के साथ, कम से कम 60% के साथ। साथ ही आपने ITI कर रखी हो NCVT से डीजल ऑटो मैकेनिक ट्रेड में, कम से कम 1 साल की। उन कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है रिलेटेड फील्ड में। एज लिमिट की बात करें तो सामान्य के लिए 25 साल है, EWS के लिए 25 और OBC के लिए है 28 साल। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल के लिए सैलरी आपको मिलेगी 21,700 वाले ग्रेड में। 4 वैकेंसी हैं। इसके लिए आपने 10th या 12th 60% मार्क के साथ कर रखा हो, और साथ ही आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd की, तो इसके लिए आपको सैलरी मिलेगी 25,500 वाले ग्रेड में। 3 वैकेंसी हैं। इसके लिए आपने 10th पास कर रखा हो 50% मार्क के साथ, और आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड आती हो 80 वर्ड परमिट की स्पीड से, साथ ही इंग्लिश टाइपिंग आती हो 30 वर्ड परमिट की स्पीड से। अपर एज लिमिट है 30 साल। बात करें हम UDC की, तो UDC की वैकेंसी आई है 10। सैलरी आपको मिलेगी 25,500 वाले ग्रेड में। इसके लिए आपने डिग्री प्राप्त कर रखी हो कम से कम 50% मार्क के साथ किसी भी सब्जेक्ट में, और डिजायरेबल है कि आपको इंग्लिश टाइपिंग आती हो। अगर इंग्लिश टाइपिंग नहीं आती है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 27 साल और रिलैक्सेशन अप्रूवल दिया जाएगा। बात कर लेते हैं ड्राइवर की, तो ड्राइवर की वैकेंसी आई है 30। इसके लिए सैलरी मिलेगी 19,900 वाले ग्रेड में। आप 10th पास होनी चाहिए, आपके पास हैवी लाइट दोनों टाइप के लाइसेंस होने चाहिए, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास लाइट और हैवी व्हीकल का मिला के। सेपरेट नियम आ गया है, मिला के कंबाइंड भी 3 साल का एक्सपीरियंस अगर है लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको छोटे मोटे टूट फूट की जानकारी हो जिससे आप आसानी से उन्हें सही कर सकें डे टू डे बेसिस पर, जैसे मेंटेनेंस, टायर बैटरी मेंटेनेंस, लुब्रिकेशन ऑफ व्हीकल, एक्सीलेटर ब्रेक, क्लिच पैडल, फैन बेल्ट एडजस्टमेंट, एयर ब्लॉक, ऑयल ब्लॉक रिमूवल, साथ ही इंजन ट्यूनअप, ब्रेक एडजस्टमेंट, व्हील अलाइनमेंट और डैशबोर्ड मीटर की जानकारी ये आपको होनी चाहिए। एज लिमिट है 27 साल, 28 से लेकर 27 साल, और अपर एज रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया जाएगा। कम से कम एज आपकी सभी वैकेंसी के लिए 28 साल होनी चाहिए। 10/1/2020 को अकाउंट होगी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए है ₹250, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के सभी पोस्ट के लिए ₹150, टेक्नीशियन बी के लिए है ₹100, स्टेनो के लिए ₹100, UDC के लिए ₹100 और ड्राइवर के लिए है ₹100। फीस का पेमेंट आप ऑनलाइन ही करेंगे AMD की वेबसाइट पर। वो कैंडिडेट जो एक्सर्समैन है, जो SC ST के हैं, जो PH हैं और महिला कैंडिडेट हैं, उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। जहां कहीं भी वैकेंसी रिजर्व है वहां SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी, और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको 40 साल की एज तक फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी। साथ ही जो जम्मू कश्मीर में रह चुके हैं 1980 से लेकर 89 तक, उनको और 1984 के दंगा पीड़ितों को 5 साल की छूट दी जाएगी। PH कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलेगी और वुमेन कैंडिडेट को 35 साल की एज तक फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी। रिलैक्सेशन जो उनकी कैटेगरी का है वो अलग से मिलेगा। साइंटिफिक ऑफिसर सी के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, ये MBBS वाली पोस्ट है। वही
वही साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें तो इसके लिए पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद होगा इंटरव्यू। टेक्नीशियन बी के लिए आपका पहले प्री टेस्ट होगा जिसमें मैथ के 20 सवाल आएंगे, 20 आएंगे साइंस के, 10 आएंगे जनरल अवेयरनेस के, 50 प्रश्न होंगे। सही के लिए 3 अंक मिलेंगे, गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। उसके बाद होगा आपका एडवांस टेस्ट, एडवांस टेस्ट में भी 50 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का ये रहेगा और जो फाइनल मैट बनेगी वो एडवांस टेस्ट के मार्क्स के बेस पर ही बनेगी। लेकिन आपका स्किल टेस्ट भी होगा और स्किल टेस्ट जो होगा वो गो नो गो बेसिस पर होगा और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। स्टेनोग्राफर की हम बात करें तो स्टेनोग्राफर के लिए पहले आपका लेवल 1 टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग के सवाल आएंगे और फिर होगा आपका लेवल 2 यानी स्टेनोग्राफी टेस्ट। फाइनल मैट जो बनेगी वो लेवल 1 के मार्क्स के बेस पर ही बनेगी, लेकिन कैंडिडेट को कम से कम 50% मार्क्स इसमें लाने होंगे। ओबीसी एससी एसटी पीएच को 40% पर पास कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें यूजीसी की तो यूजीसी के लिए पहले लेवल 1 टेस्ट होगा यानी वो टेस्ट जिसमें इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग आती है वो आपका टेस्ट होगा। उसके बाद सेकंड टेस्ट होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन का डिस्क्रिप्टिव टाइप। इसमें जो फाइनल मैट बनेगी वो लेवल 2 यानी मेन एग्जाम के मार्क्स के बेस पर ही बनेगी। जो इंग्लिश का पेपर होगा उसी के मार्क्स के बेस पर आपको पास किया जाएगा। आपको लेवल 1 में कम से कम 50% लाने होंगे पास होने के लिए। वहीं ओबीसी एससी एसटी पीएच को 40% पर पास कर दिया जाएगा। ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर के लिए पहले टेस्ट होगा, उसके बाद होगा ड्राइविंग टेस्ट। रिटन टेस्ट में जीके आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी और मोटर व्हीकल एक्ट के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें पास होने पर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और फाइनल मैट जो बनेगी वो दोनों को मिला के बनेगी। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन आप 21 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। www.amd.gov.in इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 21 दिसंबर, लास्ट डेट है 10 जनवरी। 10 जनवरी तक आप फॉर्म भरेंगे, फीस जमा करेंगे और इसका प्री एग्जाम जो है वो भारत के किसी भी शहर में आयोजित किया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर ये नई दिल्ली, बेंगलोर, नागपुर, जमशेदपुर, शिलोंग, जयपुर, हैदराबाद इनमें से किसी शहर में रहेगा, किसी भी रीजन में, और फाइनल एग्जाम जो होगा वो हैदराबाद में ही होगा। साथ ही आपकी पोस्टिंग भी इन्हीं शहरों में से किसी शहर में रह सकती है। साथियों, मैं उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।